बीबी बत्ती नवा शहर के सारे परिवार को मेरे वालों निकी जी आया सत श्री अकाल। दोस्तों आज तुहानू यूके बर्मिंगम विखे सी लाइफ के खूबसूरत दृश्य दिखावांगे। सी लाइफ यूके बर्मिंगम विखे आए हुए सैलानियों वास्ते एक मेन अट्रैक्शन है ते इत्थे ज़्यादातर तुहानू फैमिलीज अपने बच्चों नाल सी लाइफ नू एक्सप्लोर कर दिया नज़र आवणगियां। जे खर्चे की गल करिए तो हसबेंड वाइफ जाने के कपल का तकरीबन 5000 तक का खर्चा आ जाता है। तो जे तुहाडा बच्चा हाले छोटा है, हाले तुसी उसनू कैरी बैग वांग चक्या, आई मीन इनफेंट है, तो टिकट फ्री है, अदरवाइज़ बच्चे की भी टिकट लगती है। तो चलो डिस्कवर करते हाँ अंडर वाटर वर्ल्ड नू, आओ चलिए जी। लो जी आपां पहुँच गए हाँ 360 डिग्री अंडर वाटर टनल दे। इत्थे असीं एक्सपीरियंस करांगे मरीन लाइफ दा। तुसीं देख पा रहे हो अंदरलियां तस्वीरां और मरीन लाइफ दा इत्थे एक्सपीरियंस करांगे क्योंकि इत्थे 60 डिस्प्लेस हन फ्रैश वाटर ते मरीन लाइफ दियां। नाल दी नाल इत्थे असीं तुहानूं शार्क्स दिखावांगे, इत्थे असीं तुहानूं पेंगुइन्स दिखावांगे, इत्थे असीं तुहानूं जायंट टर्टल्स दिखावांगे, हंड्रड्स ऑफ ट्रॉपिकल फिशेस जैलिस जिहड़ियां स्विमिंग कर रही ओवर आर हैड, तां इह तुहानूं पेंगुइन्स नज़र आ रहे हैं। तो एक एक करके सारिया तस्वीरां दिखावांगे। सब तो पहली गल इत्थे कि ऑनलाइन बुकिंग करानी पैंदी है, तुसीं कैश आ के टिकटां नहीं लै सकते, तो यह सी लाइफ है इन्हां दा। तो पिछे बच्चों नूं बच्चों वांग खड़ाया जांदा, साडी वारी आउण लगी। तुसी पिछे माहौल देख सकते हो किन्ना वधिया, ते पेंगुइन्स नू मस्ती करते देख रहे हो। ये नज़ारा है सी लाइफ बर्मिंगम दा। ओ देखो उन्हां नू पता है कि सानू देखण आए आ, थोड़ी थोड़ी मस्ती कर रहे ने। ते जे नाल दी नाल दूजी खिड़की तो देखो उधरों भी वक्खरा नज़ारा है। ते एक वारी फिर तो असीं इधर आ रहे, मैं जिवें पहला कहा सी फ्रैश वाटर तुहानू इत्थे नज़र आएगा। बारिश पै के हटी है ते मैनू लगदा अंदरले पासे बहुत ज़्यादा ठंड है। और नेड़े तो देख लो पेंगुइन कि नज़ारे लेंगे, असं पैसे खर्च के इतने नहीं इंडिया चाहे फिरते होंगे तो मार के टंग देने से बाहर, फिर जिंदगी है ना इंजॉय कर। इतने तुम्हें वक्ो वक् कलर्स मच्छियां भी नज़र आनगियां। देखो स्क्रीन पर नीली मच्छी है, चिट्टी मच्छी है, क्रीम जी मच्छी है, तुम दसो कि देखो अगर नीली मच्छी लेंदी है नज़ारे, नीली मच्छी ओ एक आ मच्छियों के देखो नज़ारे आ, नीली मच्छी हत्थ करी जाती है कि नहीं, तुहानू सारा सी लाइफ दिखा देना। देखो मच्छियों तो बाद थोड़ी जी घाटी चढ़नी पैंदी है, चढ़ाई चढ़नी पैंदी, लेकिन उस तो पहले इत्थे इन्हां दी शिप पई है, शिप दे उत्ते इन्हां दे अपना झंडा है, ये अपने झंडे का बहुत सत्कार करते, गल चंगी है। बच्चे तो इतने कि बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तुम देख सकते हो फिश इन्हों देख के, चाहे इंडियन आ, एशियन आ, चाहे गोरे आ, सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते और कहते हैं फिश फिश फिश, माहौल सिरजा होया। Don't you tell me what I'm supposed to do when I'm walking down the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my bright makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so fool. ਇਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੀਬੀ ਸੇਵਾ ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਲਰਾਈਟ ਫਾਈਨ ਆਮ ਫਾਈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁਲਸ ਪਲੇਸ ਆ ਪੁਲਸ ਪਲੇਸ माता जी कहते पहले हाथ धो लो, ये हम मेरे हाथों के फिश लवाओगे, हाथ साफ कर ले जी माता जी। पूर्णिमा बहुत ठंडा, वक्री जी फीलिंग है, माता जी ने वक्री फीलिंग महसूस कराई है। थैंक यू
एक होर चीज दिखाने तो उन्होंने देखो कि सप लपेटा मार के बैठा आओ वेखो और डंडे नूं लपेटा मार के बैठा सप फण छड़दा पिया पर मैं लगता डंग कढ दिता हूं पर वैसे भी अजकल जमाना यह आ कि सप्पा तो नहीं बंदिया तो बचने की लोड़ है क्योंकि सप छड़ दिंदा बंदा पर डंग मारदा काश साढ़े देश की भी इदा तरक्की हो जाए तो गोरे बाहरों देखण आण ते साडा देश भी पैसे कमावे इत्थे हजारां रुपया लग जांदा देखण नूं क्योंकि साढ़े देश च बहुत सारे नैचुरल सोर्सिस हैगे आ पर जे साढ़े देश इहोजी कोई चीज़ बन जाए तो क्या बात होगी। आ मच्छी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अखा बहुत वखरियां आ स्माइल भी पास कर दी मच्छी आ मच्छी है ये मच्छी है कहो जी आ मच्छी देखो कि इस मच्छी को देख के बस गोरे यही कही जाते वाओ 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 रब की अच्छी क्रिएटिविटी तुम्हें दिखाने इतने इन्होंने कछु को भी कितने रखे हेलो सत्या हेलो जिमें जिमें उपरले फ्लोर से आई जाने अट्रैक्शन फोर सामने आई जाए पिछले देख सकते हो देख सकते हो ओला मस्ती मारता है ओला पूरी मस्ती मारता है। हाँ जी की हाल चाल जे अखा मारते पे हो हेलो बोलो भाई कोई चुप चापी मार के दिखाओ पैसे खर्चे यार कोई मत दिखा माड़ी कलाकृति करके तू तो आलसी होकर पै गया जिमें साड़ियाँ सरकार बह जी जे यही साड़ी कंट्री हो गए क्योंकि उत्थे साडे भी बहुत सारे नैचुरल सोर्सिस आ बहुत सी लाइफ साडे भी हैगी है साडे भी दिखाया जाए तो NRIs आ सकते अट्रैक्शन हो सकते उत्थे बहुत वड्डा रोजगार मिल सकता गल क्रिएटिविटी की आ जो उत्थे क्रिएटिविटी की जाए तो रोजगार तो उत्थे भी पैदा हो सकते शुक्रिया साडे भी बहुत सारे दरिया आ जे असीं उन्हां दे नेड़े तेड़े कुछ इहो जे इनोवेशन कर लईए तो बहुत सारा रोजगार पैदा हो सकता असीं तां सलाह दे सकते हैं परदेश जाके क्योंकि वह सारिया चीज़ा गवर्नमेंट की सपोर्ट तो बिना एक नौजवान ने एक इंडिविजुअल कर बहुत औखिया है इदा का रोज़गार कितने सतलुज दरिया के नेड़े तेड़े ज मत्तेवाड़े के नेड़े तेड़े किया जाए एक छोटा टाउन बसाया जाए जिते सी लाइफ हो लेक होर बहुत सारिया कलाकृतियां हो सकियाँ जिदे बहुत सारा रोज़गार पैदा हो सकता और बहुत सारे लोगों जॉब क्रिएट की जा सकती जिमें म्यूजियम हो जाए और साडा पुराना इतिहास दिखाया जाए पंजाबी ना जोड़िया जाए साडी जमीन ना जोड़िया जाए बहुत सारिया जो साडे इतिहास दी गल्लां वो दिखाईया जाए जरूरी नहीं कि 80-80 करोड़ लग के म्यूजियम तैयार किए जा घट बजट के भी म्यूजियम तैयार किए जा सकते और उत्थे बहुत सारे लोगों को जॉब मिल सकती तो मैनू लग गया असीं मुक गए पर हले कहते कॉन्टीन्यू योर डाइव देखो की करवाउंदे अगे अच्छा चीज़ा सामभ सामभ के रखी है ना ने गोडे यार मैंने लगे पैसे वेस्ट हो गए गुड 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 क्विकली तुम दिखा दें इन्हों जैली फिश किया जाता है और इतने सारे पास जैली फिश ही दिखाई जाती है ऑस्ट्रेलियन
स्पॉटेड जैलीफिश 50 सेंटीमीटर तक के साइज होगा। मेन अट्रैक्शन आ देखो मछियां पानी के अंदर, तुहानू एक बार महसूस करा देंगे कि तुसी पानी के अंदर है, पानी के अंदर सैरा करते हो, मछियां तुहाडे नेड़े तेड़े तो लग रही सी लाइफ तुसी महसूस कर सकते हो। एक बार तो महसूस हो जाता कि तुसी समुद्र के अंदर हो, कमाल है। अभी भी इधर लोगों का असिस्ट करा लिया, इतने लोग हो गया अंदर, मछली अंदर पानी की रानी भी है। आओ देखो मछली कितनी बड़ी, एक बार तो महसूस होंगे कि असी पानी के अंदर, शक्ति आ गई है पानी के अंदर, पूरा नज़ारा ला सकते। मेरा ख्याल इंसाना दे मूँह नाल रिजेंबल करने वाली मच्छी तुसी पहली बार देखी होनी। देखो मूँह किवें इंसाना वर्गा है, हालांकि दंद मूँह च किन्ने ने तो मूँह खोल के पता लगेगा, पर कुदरत की क्रिएटिविटी बहुत कमाल है, मज़ा आ रहा। आओ एक अजीबो गरीब मच्छी भी है, ओ सच इनू ही तो शाक कहते हैं, शाक। अगे बर्फ जमाती इन्होंने, बर्फ जमाती है, अगे बर्फ सी लाइफ के बाहर निकलते नाले बिजनेस शुरू हो जाता, बच्चे क्योंकि इतने ज़्यादा आते तो बच्चों के अट्रैक्शन लिए बहुत सारे खिलौने रखे है। ठीक है जी, सत श्रीकाल, आनंद आता जी इतने सी लाइफ देख के, बहुत सोहना। हाँ जी ठीक से, तुम इतने किन्नी देर तो जी, हाँ जी किन्नी देर तो इतने, हुशियारपुर ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਡਿੰਗਰੀਆ ਮੇਰਾ ਪੈਸ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਨਿਆਣ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ, ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਿਓ, ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਾਸ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਛਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੰਮ ਪਲ ਆ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ, ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਤੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਜਾਂ ਖਬਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।